जब भी फ्रूट जूस की बात आती है तो ऐसे बहुत सारे जूस हैं जो हम पसंद तो करते हैं, लेकिन उनको बनाने की सोचने से पहले लगता है कि कैसे बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज जो मैं जूस शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जूस है और इसकी जो रेसिपी मैं शेयर करती हूँ मेरे भी चैनल पे जो भी वीडियोस आते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। जनरली जो मैं खुद एवरीडे में यूज़ करती हूँ वही वाला शेयर करती हूँ। तो आज पाइनएप्पल जूस की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये पाइनएप्पल बाज़ार से मंगवाया है। अगर आपके पास शार्प नाइफ़ है तो आप आसानी से काट सकते हैं इसको एक बार में। अगर शार्प नहीं है तो थोड़ा समय लगता है, जो मुझे लग रहा है आप देख सकते हैं। इसको पत्तियों को हटा लिया सबसे पहले और अभी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश जूसी पाइनएप्पल्स आने लगे हैं। तो हम सबसे पहले इसको पत्तियों से अलग कर लेंगे और उसके बाद हम जूस बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जब तक मैं इसको कट कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों के साथ पाइनएप्पल जूस के बेनिफिट्स, कुछ दो तीन खास जो मुझे फील भी हुए हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी जो सीज़न है, वेदर चेंजिंग वाला जो मौसम है, इसमें अगर आपको कोल्ड या किसी चीज़ से एलर्जी है तो इसमें पाइनएप्पल जूस के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से आपके अंदर का जो कंजेशन है या कोल्ड और एलर्जी की जो भी समस्याएं हैं उससे बहुत आसानी से निजात मिलता है। ये वाली रेसिपी मैं जो शेयर कर रही हूँ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप पाइनएप्पल को कट करके और जैसे भुट्टा पकाते हैं ना गैस पे, वैसे डाल के इसको अच्छे से पकने दें ताकि इसका जो छिलका है वो भी सॉफ्ट हो जाता है, आपको इसको छीलने में भी आसानी होगी और दूसरा इसका जो भुना हुआ स्वाद है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप इस तरह से पकाते हैं मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो में, एक मिस्टेक जो मैंने की है वो आप अवॉइड करें तो और भी ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसका जो दूसरा टुकड़ा है इसको मैं अभी पका नहीं रही हूँ क्योंकि इससे मुझे एक और रेसिपी बनानी है जो मुझे अपने बेटे को स्कूल के लिए भी देनी है, जो कि है पाइनएप्पल हलवा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, नहीं तो एक ही में ये दोनों शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम पाइनएप्पल को पकने के लिए रखते हैं ना, उस टाइम में आप बाकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, जो भी आपके मसाले वगैरह हैं अपनी पसंद के वो निकाल लीजिए। पाइनएप्पल पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आपको इसको ऐसा नहीं है कि इसका पूरा का पूरा टेक्सचर ही चेंज कर देना है। और इस तरह मैं पाइनएप्पल से थोड़ा सा खेल भी रही हूँ, मेरा बेटा सामने खड़ा होकर देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। और साथ में मैं इसको पाइनएप्पल को पकने के लिए जो रखा था उसको एक दो बार ऐसे करके टर्न कर देती हूँ ताकि ये एक जगह से जले नहीं। बस जितना मैंने पकाया है ना, बस हल्का हल्का इसमें सौंधापन आ जाना चाहिए और जो कटा हुआ एरिया है ना उसको ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस छिलकों को पका दें ताकि वो आसानी से निकल जाए और उसके अंदर इसका जो भुना हुआ स्वाद है वो चला जाए। पाइनएप्पल जूस हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली स्किन हेल्थ के लिए, और ये डाइजेशन भी इंड्यूस करता है। तो अगर आप इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग पाइनएप्पल से एलर्जिक होते हैं, उनकी जीभ में उनके गले में खड़ास भी आती है। तो एक दिन का जो परमिटेड डोज है दैट इज़ 1 कप, तो 1 कप के आसपास आप पर डे अगर भी पीते हैं तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। अब मैं जिस मिस्टेक की बात कर रही थी वो मिस्टेक ये है कि जब इसको पका लेते हैं ना उसके बाद आप चाहें तो इसको हल्का सा पानी से धो या कपड़े से पोंछ लीजिए ताकि इसका जो कालापन है ना वो निकल जाए, तो इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। फिलहाल मैंने इसको धोया नहीं था, इसको मैंने बारीक बारीक काट के मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसको जब ऐसे आप निचोड़ते हैं तो बिल्कुल नींबू की तरह से रस निकलने लगता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है ये। इसमें मैंने पसंद के मसाले ऐड किए हैं। इधर मैंने बिना जो पके हुए थे उनसे भी जूस तैयार कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं दोनों का कलर बिल्कुल अलग है। मसालों में आप वही मसाले डालें जो आपको पसंद हो, चाट मसाला या फिर काला नमक, एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा जूस है। अगर आप एलर्जिक हैं पाइनएप्पल से तो पका कर ही बनाएं, इस तरह से प्लेन बनाएंगे अगर तो उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।